नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टंप लाइन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जो कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर आ चुकी है 3 T20 मैच की सीरीज़ खेलने के लिए। तो पहले के 2 मैच है वो हो चुके हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने साउथ अफ्रीका को दोनों भी मैच में हरा दिया है। और जो अभी आखिरी की जो मैच है, तो उसमें भी अगर वेस्ट इंडीज़ जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका का वाइट वॉश हो जाएगा। तो इस मैच की हम ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन करने वाले, 3 T20 मैच की, जो कि 27 मई 2024 को 12:30 बजे होने वाला है, यानी कि कल रात को 12:30 बजे। तो इस मैच का हम ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन करेंगे। तो प्रेडिक्शन करने से पहले मैं आपको कुछ स्टार्स दिखा देता हूँ इस ग्राउंड के बारे में, किस तरह से इस ग्राउंड पर मैचेस हो रहे हैं, बैट्समैन किस तरह से फॉर्म में किस तरह से बल्लेबाजी कर पा रहे हैं और बॉलर्स को कितने विकेट मिल रहे हैं, ये जानने के लिए चलो स्टार्स देखते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ स्टार्स दिखाता हूँ इस ग्राउंड के। ये देखिए दोस्तों, ये किंगस्टन जमैका का ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर 2 मैच हो चुके हैं। अभी जो तीसरी मैच होने वाली है वो भी इसी ग्राउंड पर होने वाली है, जिसे सबीना पार्क भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर जो इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ मैचेस का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो 2024 की एक मैच है जो कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की पहली मैच थी। दूसरी मैच का भी यहाँ पर लिख देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिखा कल के मैच का। लेकिन आप देख सकते हैं 2022 के मैंने 3 लिख दिए है, और 2017 का 1 है, और 2014 के 2 मैच इसके रिकॉर्ड है। तो आप देख सकते हैं इस स्टैट्स में देखने के बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इस ग्राउंड पर जो पहली इनिंग हुई है, तो वो पहली इनिंग में इंटरनेशनल मैच में हाई स्कोर 215 रन बन चुका है, और सेकंड इनिंग का हाई स्कोर आप देख सकते हैं 194 रन बन चुका है। तो 200 रन तक इस ग्राउंड पर इंटरनेशनल मैच में स्कोर बन जाता है। तो कल के मैच में भी 200 के ऊपर वेस्ट इंडीज ने मारा था। तो इस ग्राउंड पर 100 से लेकर 200 के बीच में तीसरी मैच में स्कोर बन सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले इनिंग में वेस्ट इंडीज़ की टीम एक 2014 में 96 रन पे ऑल आउट हो चुकी थी। सॉरी, ऑल आउट नहीं, 20 ओवर खेल के सिर्फ 96 रन बना पाई थी, जहाँ पे उनके 9 विकेट गिरे थे। उसके बाद आप देख सकते हैं और एक मैच वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट इनिंग में खेलते हुए 116 रन ही बनाए थे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग इसमें लो स्कोर भी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि 150 के ऊपर ही रन बनेंगे इस मैच में, 3 T20 मैच में 150 के अंदर भी रन बन सकते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखते हुए ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हैं। तो चलिए इस ग्राउंड के CPL के भी रिकॉर्ड देख लेते, क्योंकि CPL का जो भी मैच होते हैं वो भी T20 का ही फॉर्मेट है। जिस तरह से इंडिया में IPL होता है, उसी तरह से वेस्ट इंडीज़ में CPL होता है। तो उसके भी स्कोर देख लेते हैं। तो CPL का यहाँ पे आपको स्टार्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CPL के जो फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोर बन चुका है इस ग्राउंड पर, तो आप देख सकते हैं 267 रन बन चुके हैं, और सेकंड इनिंग का हाई स्कोर जो बन चुका है इस ग्राउंड पर वो 226 रन बन चुके हैं। तो जिस मैच में 267 रन बने थे, उसी मैच में 226 रन सेकंड इनिंग में बने थे। तो आप देख सकते हैं इस मैच पे मैक्सिमम अगर हाई स्कोर हो रहा हो किसी टीम का, तो 267 तक हो सकता है। तो इस इंटरनेशनल मैच में 200 के ऊपर स्कोर बन सकता है,
लेकिन उतने ही चांसेस 150 के अंदर बनने के भी है, तो 100 से लेकर 250 तक स्कोर बन सकता है, इनमें से कोई भी स्कोर बन सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 150 के ऊपर ही बनेगा, 200 के ऊपर ही बनेगा, ऐसा नहीं है, 150 के अंदर भी बन सकता है। तो उस हिसाब से आप अपना कॉम्बिनेशन बना लीजिए, आपको जो लगता है कि जो स्कोर बनेगा उस हिसाब से आप अपना कॉम्बिनेशन बना लीजिए। तो चलिए और मैं आपको कुछ स्टार्स दिखाता हूँ। अब मैं आपको बैट्समैन के स्टार्स दिखाता हूँ इस ग्राउंड पर। तो यहाँ पे ये जो जो किंगस्टन का ग्राउंड है, इसमें जो CPL के जो बैट्समैन हाई स्कोर बना चुके हैं, तो आप देख सकते हैं क्रिस गेल जिसने 100 रन बनाए हैं, यानी कि 105 रन बनाए हैं। उसके अलावा इस ग्राउंड पर CPL के किसी भी बल्लेबाज ने 100 रन नहीं बनाए हैं। चैडविक वाल्टन जो कि वेस्ट इंडीज़ का बैट्समैन है, उसने 97 बनाए हैं। तो बाकी के प्लेयर के आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी 100 के ऊपर नहीं पहुँचा है, 70 से लेकर 90 के बीच में कई लोगों ने स्कोर किया है। उसके बाद अगर इंटरनेशनल मैच की बात करूँ, तो इंटरनेशनल मैच में भी एक ही प्लेयर ने इस ग्राउंड पर सबसे ऊपर रन बनाया है, जिसका नाम है एविन लुइस। उसके अलावा जो बाकी के प्लेयर है वो 40 से लेकर 80 तक रन बना चुके हैं इंटरनेशनल मैच में। तो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर ज़्यादा हाई स्कोर बनता नहीं है, दो ही बार, एक बार CPL में और एक बार इंटरनेशनल मैच में इस ग्राउंड पर T20 में हाई स्कोर बन चुका है। इसके अलावा इस ग्राउंड पर 100 रन बनना थोड़ा मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए, बन सकता है सबसे ऊपर लेकिन मुश्किल होता है। तो अगर आप किसी बैट्समैन को कैप्टन बनाते हैं तो ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि वो बैट्समैन 70 या फिर 80 या फिर 90 रन बना सकता है। इस एक्सपेक्टेशन के साथ आप बैट्समैन को कैप्टन बना सकते हैं। तो मैंने ये CPL और इंटरनेशनल दोनों भी आपको स्टार्स दिखा दिए, किसने कितने इनिंग में हाई स्कोर किया है इस ग्राउंड पर। चलो अब मैं आपको बॉलिंग के भी स्टार्स दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसमें बॉलिंग के दिखाने से पहले इस ग्राउंड पर हाई स्कोर कितना बनाए, लो स्कोर कितना बनाए, उसका भी रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। तो ये जो इंटरनेशनल मैच है, इंटरनेशनल मैच में हाई स्कोर इस ग्राउंड पर 215 रन बन चुका है, जो कि न्यूजीलैंड ने बनाया था। उसके बाद हाई स्कोर सेकंड इनिंग का हाई स्कोर जो है उसमें 194 रन बन चुके हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया के खिलाफ बनाए थे। उसके बाद लोवेस्ट स्कोर की अगर बात करो इस ग्राउंड पर T20 इंटरनेशनल मैच में, तो 96 रन बन चुके हैं, और सेकंड इनिंग में लोवेस्ट स्कोर 85 रन बन चुके हैं। अगर CPL की बात करूँ तो फर्स्ट इनिंग का हाई स्कोर CPL में इस ग्राउंड पर 267 रन बन चुका है, सेकंड इनिंग में इस ग्राउंड पर 226 रन बन चुका है। और लोवेस्ट स्कोर की अगर बात करूँ CPL के मैच में इस ग्राउंड पर, तो फर्स्ट इनिंग में 89 रन बन चुका है, सेकंड इनिंग में 75 रन बन चुका है। तो आपको मैंने स्टार्स दिखा दिया कि इस ग्राउंड पर लो स्कोर बनेगा तो कितना बन सकता है, या फिर हाई स्कोर बनेगा तो कितने तक बन सकता है। इस स्टार्स को आपको देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि आप किस तरह से किसी एक स्कोर को अपने दिमाग में रखकर, यानी कि उस स्कोर को दिमाग में सोचकर आप टीम बना सकते हो। आप सब सब पर कोई टीम कोलैप्स करेगी, इसे सोचकर भी टीम बना सकते हो, कि क्योंकि ये ग्राउंड ऐसा नहीं है कि 150 के ऊपर ही बनेंगे, 150 के अंदर भी बन सकते हैं, 200 के ऊपर भी बन सकते हैं, 200 के अंदर भी रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जैसा लगता है उस हिसाब से आप इस T20 मैच में अपना कॉम्बिनेशन बनाइए। तो चलिए अब मैं आपको बॉलर के स्टार्स दिखाता हूँ इस जमाइका के ग्राउंड पर CPL और इंटरनेशनल मैच में जो भी बॉलर बॉलिंग डाल चुके हैं उनका किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मैच में जो बॉलिंग किए हैं, तो ओडन स्मिथ जो कि वेस्ट इंडीज़ का बॉलर है, फास्ट बॉलर, उसने 3 मैच खेले, 3 में से 3 मैच में उसे 7 विकेट मिली है,
दो बार तीन विकेट मिले। उसी तरह से एक कुशैक एक बॉलर है जिसने इस ग्राउंड पर T20 इंटरनेशनल में दो मैच खेले, छः विकेट ले चुका है और एक बार तीन विकेट इस ग्राउंड पर मिल चुके हैं। उसी तरह से मैकॉय देख सकते हैं, सेंटनर देख सकते हैं। तो मैकॉय ने तीन मैच खेले, छः विकेट लिए हैं और एक बार तीन विकेट लिए हैं एक मैच में। उसके बाद सेंटनर का आप देख सकते हैं, सेंटनर ने इस ग्राउंड पर तीन मैच खेले, दो बार तीन विकेट मिले हैं उसे और टोटल इस सेंटनर को इस ग्राउंड पर छः इंटरनेशनल मैच में विकेट मिल चुके हैं। उसी तरह से आप बाकी के प्लेयर का भी देख सकते हैं। तो इस ग्राउंड पर किसी भी बॉलर को, फास्ट हो या फिर स्पिनर हो, तीन विकेट मिल सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप टीम बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको CPL के भी रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CPL के भी जो रिकॉर्ड है, इसमें भी कई बार फास्ट बॉलर को तीन विकेट मिल चुके हैं और स्पिनर को भी मिलते हैं इस ग्राउंड पर तीन विकेट। तो आपको इसे ध्यान में रखते हुए टीम बनानी है। तो चलिए अब मैं आपको इस फर्स्ट T20 मैच में और सेकंड T20 मैच में कौन चला था वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये पहले T20 मैच की ये ड्रीम टीम है। आप देख सकते हैं पहले के T20 मैच में कौन चले थे। तो देखिए, पहली T20 मैच थी उसमें साउथ अफ्रीका के सिर्फ तीन ही प्लेयर चले थे, एक हेंड्रिक्स, दूसरा फेलुक वायो, तीसरा बाल्टमैन। तो ये तीन ही चले थे और आठ प्लेयर वेस्ट इंडीज़ के तरफ से चले थे। तो उसके बाद जो दूसरी टीम आई है ड्रीम टीम दूसरे मैच की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ प्लेयर जो पहले मैच में चले वो यहाँ पे भी चले हैं। जैसे कि पहले मैच में कीपिंग बैटिंग और ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करो, तो पहले मैच में आंद्रे फ्लेचर चला था, हेंड्रिक्स बैट्समैन में हेंड्रिक्स, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेस और काइल मेयर्स चले थे। उसके बाद ऑलराउंडर में आप देख सकते हैं फेलुक वायो चला था और मैथ्यू फोर्डे चला था। तो आप देख सकते हैं ये सेम प्लेयर सेकंड मैच में भी चले हैं। आप देख सकते हैं सेकंड मैच में भी आंद्रे फ्लेचर, रोस्टन चेस, हेंड्रिक्स, काइल मेयर्स, ब्रैंडन किंग, फेलुक वायो और गुदाकेश मोटी। तो आप देख सकते हैं ये सात प्लेयर और एक बार दूसरी मैच में ड्रीम टीम में आए हैं और सिर्फ चार प्लेयर अलग आए हैं दूसरे मैच में, यानी कि क्विंटन डीकॉक, रोमारियो शेपर्ड, एन पीटर और लुंगी एनगिडी। तो ये चार प्लेयर सिर्फ बदल के आए थे। तो आज के इस तीसरे T20 मैच में कौन से प्लेयर हमें लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको टीम बनाकर दिखाता हूँ किस तरह से टीम बनानी है तीसरे T20 मैच के लिए। तो आपको ये करना है कि इस T20 मैच में जो पहले के दोनों भी टीम के तरफ से जो कॉम्बिनेशन आ चुके हैं उनको हमें यूज़ नहीं करना है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको आज के मैच के कुछ हाई सिलेक्शन प्लेयर को सिलेक्ट करके बताता हूँ कितने हाई सिलेक्शन प्लेयर है आज के मैच में, यानी कि 27 मई की जो मैच है 12:30 बजे जो चालू होने वाली है, तो उसमें हाई सिलेक्शन वाले कितने प्लेयर है जो सभी लोग अपने टीम में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे लुंगी एनगिडी ये नहीं है हाई सिलेक्शन, गुदाकेश मोटी है। तो आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कुछ हाई सिलेक्शन नहीं दिख रहा है, 50 के ऊपर वाले। कीपर में एक है जो कि क्विंटन डीकॉक है और दूसरे बैटिंग सेक्शन में अगर बात करूँ तो यहाँ पे हेंड्रिक्स है, ब्रैंडन किंग है, काइल मेयर्स है, रोस्टन चेस है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में फेलुक वायो है और रोमारियो शेपर्ड है। उसके बाद लुंगी एनगिडी नहीं है, गुदाकेश मोटी है जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर है। तो मैं हाई सिलेक्शन बॉलर या फिर प्लेयर उसे ही बोलता हूँ जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर होता है, और जो 50 के अंदर होते हैं उन सभी को मैं ट्रम्प प्लेयर बोलता हूँ या फिर लो सिलेक्शन।
तो मैंने आपको यहाँ पे 8 हाई सिलेक्शन दिखा दिए हैं, तो इनमें से 4 तो कंफर्म फ्लॉप होने ही वाले हैं, 4 मिनिमम, तो एक तो कंफर्म फ्लॉप होने वाला है। तो इस मैच, इस टीम में जो मैंने प्लेयर लिए हैं उनमें से कुछ ऐसे प्लेयर हैं जैसे कि बैटिंग सेक्शन में जो 4 प्लेयर दिख रहे हैं, हेंड्रिक्स, ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स और रोस्टन चेस, और ऑलराउंडर में आपको फेलु क्वायो दिख रहा है, और बॉलिंग में जो गुडाकेश मोटी दिख रहा है। तो ये दोनों भी टीम ड्रीम टीम में आ चुके हैं, यानी कि पहले भी मैच में आ चुके हैं, दूसरे में भी आ चुके हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये तीसरे मैच में भी ये सभी के सभी आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इसमें से कोई ना कोई फ्लॉप होने वाला है, लेकिन वो कौन फ्लॉप हो सकता है वो बताना मुश्किल है, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर फ्लॉप होगा। वो काइल मेयर्स भी हो सकता है, ब्रैंडन किंग भी हो सकता है, हेंड्रिक्स भी हो सकता है, रोस्टन चेस भी हो सकता है, गुडाकिश मोटी भी हो सकता है, या फिर ऑलराउंडर सेक्शन में जिसका सिलेक्शन अब भी वो ट्रम्प प्लेयर ही है तो वो हो सकता है, जैसे कि आंद्रे फ्लेचर। तो ये प्लेयर ऐसे हैं जो दोनों भी मैच में ड्रीम टीम में आ चुके हैं। तो चलो इन इनमें से कुछ प्लेयर को ड्रॉप करके एक यूनिक टीम बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलो यहाँ से शेपर्ड को हटा देता हूँ, और ये आपको 7 प्लेयर ऐसे दिख रहे हैं जो पहले मैच में और दूसरे मैच में, दोनों भी मैच में ड्रीम टीम में आ चुके हैं। तो इसमें से कुछ प्लेयर हटा कर मैं एक यूनिक टीम बनाना चाहता हूँ। तो देखिए किस तरह से बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आंद्रे फ्लेचर को हटा सकता हूँ। चलो मैं इसमें से बैट्समैन में से एक को हटाता हूँ, हेंड्रिक्स को हटा देता हूँ। हेंड्रिक्स को हटा दिया, और यहाँ पे मैंने राशि वंडर दुसेन को ले लिया, और यहाँ से रैन रिकेल्टन को ले लिया। तो ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों भी मैच में नहीं चल चुके, तो इन पे मैं रिस्क ले रहा हूँ। उसके बाद अभी यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में गुदाकिश मोटी है जो दोनों भी बार चल चुका है, हो सकता है आज के मैच में भी चल जाए, क्योंकि इस ग्राउंड पर स्पिनर को विकेट मिलता है, गुदाकिश मोटी स्पिनर है, तो अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में मैं फेलु क्वायो को ड्रॉप करूँगा, थोड़ा रिस्क लूँगा। तो इसमें मैं प्लेयर डालता हूँ फैबियन एलन, या फिर वायन मुल्डर को डाल देता हूँ, या फिर बैटिंग सेक्शन में ब्रिस्की को डाल देता हूँ। तो इनमें से कोई ना कोई तो तीसरे मैच में आने ही वाला है, तो चलो मैं यहाँ पे फैबियन एलन को डाल दिया है। तो चेक करते किस तरह से हमारी टीम बनी है। तो इस तरह से बनी है, तो इसमें मैं ब्रैंडन किंग को अब मैं ड्रॉप करूँगा। ब्रैंडन किंग को ड्रॉप करके एक लो सिलेक्शन ट्रम्प प्लेयर को लेता हूँ। तो यहाँ पे जॉनसन चार्ल्स है जो कि ब्रैंडन किंग के साथ बैटिंग करने आएगा। अगर ब्रैंडन किंग फ्लॉप हो जाता है और ये चल जाता है तो ये हमारी टीम काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है। तो ये हमने कुछ प्लेयर ले लिए हैं, और कुछ प्लेयर ले लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से ब्रिस्की को मैंने ले लिया। तो ये हमने तीन, एक कीपर, बैटिंग और बैटिंग सेक्शन में दो बैट्समैन, यानी कि तीन मैंने ले लिया है, और वेस्ट इंडीज़ के तरफ से दो बैट्समैन और एक कीपर। तो चलिए अब मैं बॉलर डालूँगा। तो बॉलर को हमें बॉलर ट्रम्प ज़रूर डालना है। वैसे हमने कहाँ कहाँ पे ट्रम्प डाला है चलो चेक करते हैं। हम यहाँ पे कीपिंग सेक्शन में दोनों के दोनों मैंने ट्रम्प डाले हैं। बैटिंग सेक्शन की अगर बात करूँ तो एक ट्रम्प है, यानी कि ब्रिस की, उसके बाद ऑलराउंडर में एक है। तो अब मैं बॉलिंग में ट्रम्प डालूँगा। तो यहाँ पे बॉलिंग में एन पीटर को डाल दे, सॉरी एन पीटर को नहीं, ऐसे प्लेयर को डालूंगा जो पहले मैच में नहीं चला, दूसरे में भी नहीं चला। तो कौन है ऐसा? बिजॉन फोर्टुइन है, चलो उसी को डाल देते हैं।
ये क्या हो गया, ये लोडिंग ही हो रहा है, बैग भी नहीं जा रहा है। चलो इसे आपको हटाकर डबल से चालू कर देता हूँ। चलो अब चेक करते, चलो अब मैं जिस प्लेयर को पहले लिया था उन्हीं को मैं और एक बार ले लेता हूँ। तो देखते हैं मुझे कितने कितना याद रहता है इनमें से, किसे ड्राप किया किसे नहीं लिया। तो यहाँ से मैंने इन दोनों को लिया था, उसके बाद यहाँ पे ब्रैंडन किंग, सॉरी ब्रैंडन किंग नहीं, इसको ड्राप किया था, रोस्टन चेस को लिया था, उसके बाद राशि वंडर दूसेन को लिया था, ब्रेस्की को लिया था, फैबियन एलन को लिया था, और यहाँ से गुड्डा किश मोटी को लिया था। तो यहाँ पे 8 प्लेयर दिख रहे हैं। तो कैसी है मेरी याददाश्त, आप कमेंट में बता सकते हैं मैंने सही प्लेयर जो पहले लिया था वही लिया है या नहीं, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे लगता है सही है, जिसे जिसको मैंने पहले लिया था वही उन्हीं प्लेयर को मैंने शायद लिया है। तो चलिए उसमें ट्रंप प्लेयर डालते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में कौन ट्रंप है, एक तो शामार जोसेफ है, एन पीटर है, उसके बाद फॉर्चून है, मैकोय है, नोकिया है, एनगिडी है, अकील हुसैन है। तो इसमें से मैं ऐसे प्लेयर को डालूंगा जो पहले मैच में नहीं चले, दूसरे में भी नहीं चले। तो चलिए चेक करते दूसरे में अकील चला था या नहीं, नहीं चला था अकील। तो चलो अकील को ट्राई करते हैं, अकील के साथ ऐसा प्लेयर डालूंगा जो पहले मैच में नहीं चला, दूसरे में भी नहीं। तो अकील हुसैन को डाल दिया, अब बिजोन फॉर्चून को डालता हूँ मैं, क्योंकि ये भी दोनों भी मैच में फ्लॉप हुआ, तो इसे ले लिया मैंने, और ऐसा प्लेयर लूँगा जो दोनों भी मैच में फ्लॉप हुआ है। तो यहाँ पे मैंने राशि वंडर दूसेन और रैन रिकेल्टन, ये इन दोनों को ले लिया है। तो अगर और मैं लेना चाहूँ तो मुल्डर को भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं मुल्डर को नहीं लूँगा, किसी और को लेता हूँ जो चला था उसे भी आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से ऐसे प्लेयर को लेता हूँ जो चला था, एनगिडी दूसरी मैच में चला था, तो इसको मैंने ले लिया। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है, तो इसमें मैं कैप्टन बनाता हूँ, राशि वंडर दूसेन को कैप्टन, और वाइस बनाता हूँ मैं जॉनसन चार्ल्स को। तो ये एक हमारी टीम बनकर तैयार है, ये एक हमारी टीम बन चुकी है, राशि वंडर कैप्टन, जॉनसन चार्ल्स वाइस कैप्टन। तो ये एक हमारी टीम बन चुकी है। तो इस तरह से आप टीम बना सकते हैं जिसमें मैंने ट्रंप प्लेयर की अगर बात करूँ तो 4 ट्रंप प्लेयर लिए, सॉरी बैटिंग में 2, कीपिंग में 1 ट्रंप है, बैटिंग में 1 है, बॉल ऑलराउंडर में 1 है, और बॉलिंग में 3 है, यानी कि टोटल मैंने 6 ट्रंप लिए है, 5 हाई सिलेक्शन है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन पिछले कॉम्बिनेशन से मैच भी नहीं कर रहा है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, तो इसके साथ हम जा सकते हैं। तो चलिए और एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इस मैच में मैं ऐसे प्लेयर को डालूंगा जो दूसरे मैच में चल चुके हैं, पीटर चल चुका है, पीटर के बाद एनगिडी चला था कल के मैच में, उसके बाद क्विंटन डीकॉक चला था,
और यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में रोमेरियो शेपर्ड। तो ये चार प्लेयर चले थे दूसरे मैच में, तो इसमें से कोई एक या फिर दो आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। तो चलिए इनका यूज़ करते हुए एक टीम बनाते हैं। तो यहाँ से मैं रोमारियो को ड्रॉप करता हूँ और क्विंटन डीकॉक दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। रोमारियो को ड्रॉप किया, क्विंटन डीकॉक को ड्रॉप किया। अब मैं यहाँ से लेता हूँ प्लेयर आंद्रे फ्लेचर जॉनसन चार्ल्स, उसके बाद यहाँ से लेता हूँ फैबियन एलन को लिया और ऑस्टन चेस को लिया। तो ये हमारे चार प्लेयर हो चुके हैं। दो कीपिंग में ट्रंप है, एक ऑलराउंडर में ट्रंप है, बॉलिंग में दोनों भी शायद ट्रंप ही है। हाँ दोनों भी ट्रंप है क्योंकि उनका सिलेक्शन 50 के अंदर है। तो ट्रंप हमारे टोटल हो चुके हैं, पांच हो चुके हैं। एक हाई सिलेक्शन है जो कि रोस्टन चेस है। तो चलिए इसमें छह हाई सिलेक्शन डालते हैं, एक तो मैंने पहले ही डाल दिया और मैं पांच डालता हूँ। तो चलिए बॉलिंग सेक्शन में ही डाल देते हैं। बॉलिंग में ट्रंप, सॉरी हाई सिलेक्शन कौन है, एक मोटी है, मोटी को डाल दिया। उसके बाद और कोई नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में रोमारियो है। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में दूसरे को लिया। उसके बाद चलो चेक करते कैसी टीम बनी है। इसमें और कुछ प्लेयर डाल देता हूँ, दो प्लेयर दूसरे को डाल दिया मैंने। दूसरे के बाद हेंड्रिक्स को डाल दिया, उसके बाद एरिकल्टन को डाल दिया। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। तो इसमें मैं कैप्टन बनाता हूँ कैप्टन जॉनसन चार्ल्स को बनाता हूँ और वाइस बनाता हूँ आंद्रे फ्लेचर को। तो यहाँ पे मैंने दोनों पे रिस्क लिया है। ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। जहाँ पे ट्रंप प्लेयर की अगर बात करूँ तो ट्रंप रिकेल्टन, वांडर दूसन के बाद ऑलराउंडर में कोई ट्रंप नहीं है। बॉलर में दो ट्रंप है, यानी कि टोटल चार ट्रंप हमने लिया है। तो मिनिमम चार ट्रंप आपको आज के मैच में लेना ही लेना है। चलिए और एक मैं टीम बना कर दिखाता हूँ। दो टीम मैंने दिखा दिया है, अब तीसरी टीम। तो इसमें क्या करना है, बॉलिंग सेक्शन चेक करना है कितने बॉलर है, उस हिसाब से ट्रंप लेंगे। तो यहाँ पे ट्रंप बॉलर की अगर बात करूँ तो कितने हैं बॉलिंग सेक्शन में, जो पिछले मैच खेले थे उनको मैं उनका ही नाम लूँगा। अकील हुसैन एक ट्रंप है, एनगिडी है दो, नोकिया है तीन, ओबेड मैकॉय है चार, फॉर्च्यून पाँच, जोसेफ छः, एन पीटर सात। तो टोटल सात प्लेयर है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सातों के साथ फ्लॉप हो गए। इसमें से दो तो कंफर्म चलेंगे, तीन या फिर मैक्सिमम पांच तक चल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं चार या तीन ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ऐसे प्लेयर को लूँगा जो दूसरे मैच में नहीं चला, ये नोकिया हो गया। उसके बाद अकील हुसैन दोनों में नहीं चला, उसके बाद फॉर्च्यून दोनों में नहीं चला। उसके बाद ऐसे प्लेयर को लूँगा जो पहले में चला दूसरे में फ्लॉप हुआ, मैकॉय। चलिए अब मैं इसमें
और कुछ प्लेयर डाल देता हूँ यहाँ पे। मैंने चार ट्रंप प्लेयर डाल दिया बॉलिंग सेक्शन में। अब इसमें मैं हाई सिलेक्शन चेक करता हूँ कौन कौन है बॉलिंग सेक्शन में। एक मोटी है, दूसरा है, दूसरा तो कोई नहीं है, एक ही बॉलर है। उसके बाद चलो ऑलराउंडर में एक फेलू क्वायो है, तो मैं चलो फेलू क्वायो को नहीं, सॉरी फेलू क्वायो को नहीं लेता हूँ, यहाँ से डालूँगा। तो यहाँ पे ट्रंप कितना है चेक करते हैं ऑलराउंडर में। यहाँ पे फैबियन एलन एक हो गया, दूसरा मुल्डर हो गया, तीसरा और मेरे शेपर्ट हो गया। तो इनमें से कोई एक आ सकता है या फिर दो आ सकते हैं। और अगर बैट्समैन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ट्रंप हाई सिलेक्शन कितना है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हाई सिलेक्शन है और एक ही ट्रंप है। तो इसमें से ऐसा तो नहीं होगा कि पाँचों के पाँचों आ जाएंगे, इसमें से एक तो कन्फर्म फ्लॉप होगा। तो यहाँ से मैं हैंड्रिक्स, सॉरी इसमें पांच नहीं चार हाई सिलेक्शन है, एक हैंड्रिक्स है, दूसरा ब्रैंडन किंग है, तीसरा काइल मेयर्स, चौथा रोस्टन चेस। तो चलिए इनमें से किसी एक या दो को ड्रॉप कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं काइल मेयर्स रोस्टन चेस दोनों को ले लिया, और यहाँ से मैं लेता हूँ जॉनसन चार्ल्स को ले लिया। तो और बैटिंग में अगर यहाँ पे मैं वांडर दूसेन को लेता हूँ, उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ से क्विंटन को नहीं, वियन मुल्डर को लेता हूँ। वियन मुल्डर को ले लिया। अब और एक मुझे डालना है तो रैंड्री केल्टन। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है, तो इसमें मैं कैप्टन बनाता हूँ। कैप्टन वियन मुल्डर को कैप्टन, और वाइस बनाता हूँ मैं राशि वंडर दूसन। मुल्डर को क्यों कैप्टन, क्योंकि ये बॉलिंग में डालेगा, या फिर उल्टा कर देता हूँ क्योंकि ये इसकी बैटिंग चौथे पांचवें नंबर पर आएगी, तो वाइस कैप्टनसी वाली खेल सकता है। दूसरे तीसरे नंबर पर आता है तो इसको ज़्यादा बॉल मिलेंगे, गेंद ज़्यादा मिलेंगी, तो ये 80 मार सकता है। तो ये एक हमारी टीम हो चुकी है। तो चलिए और एक मैं आपको टीम बना कर दिखाता हूँ, आखिरी टीम। बॉलिंग सॉरी कीपिंग सेक्शन में यहाँ पे मैं लेता हूँ डिकॉक रिकेल्टन दोनों को ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं लेता हूँ मुल्डर को लिया। मुल्डर के बाद अब वेस्ट इंडीज के तरफ से मैं लेता हूँ ब्रैंडन किंग को ले लिया, काइल मेयर्स को ले लिया, फैबियन एलन को ले लिया। चलो अब बॉलिंग में डालते हैं, चार प्लेयर डालूंगा मैं। यहाँ से मैं नोकिया को लेता हूँ क्योंकि ये दूसरे मैच में फ्लॉप हुआ। उसके बाद मैं अकील हुसैन को डालता हूँ क्योंकि ऐसे प्लेयर को डालना ही पड़ेगा जो दोनों में फ्लॉप हुए। उसके बाद फॉर्च्यून दोनों में फ्लॉप हुआ था इसलिए डाल दिया यहाँ पे। और एक प्लेयर डालूँगा मैं, चलो बैटिंग में चेक करते हैं, ब्रिस्की को डाल दिया। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं कैप्टन बनाता हूँ। कैप्टन ब्रैंडन किंग को कैप्टन, और वाइस बनाता हूँ मैं
चलो ब्रैंडन किंग को कैप्टन और वाइस बनाता हूँ डी केल्टन को। तो ये एक हमारी टीम हो चुकी है, तो मैंने टोटल 4 टीम बनाकर दिखा दिया है। इस तरह से आप टीम बना सकते हैं। और भी ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं फाइनल टीम आपको टॉस के बाद दे दूँगा, क्योंकि इनमें से कोई अगर नहीं खेलता हो तो हमें उसे बदलना पड़ेगा। तो लास्ट में जो स्क्वाड अनाउंस होगा उस हिसाब से मैं टीम बना कर दूंगा और टिप्स भी दूंगा। अगर आपको टिप्स चाहिए होंगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने इस चैनल के अबाउट सेक्शन में दे दी है। उसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम की भी लिंक दे दी है, तो आप दोनों भी इसमें मुझे फॉलो कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।